नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। आज हम आर महादेवन की फिल्म रॉकेट्री के प्रीमियर पर आई हुए हैं और हम आपको बताते हैं कि रॉकेट्री एक वैज्ञानिक, हमारे देश के महान वैज्ञानिक नवीन नारायण जी की कहानी जीवन पर आधारित है और फिल्म में उनके जीवन के आए उतार चढ़ाव तो दिखाए गए हैं। साथ ही जो हमारे देश में विज्ञान की जो विज्ञान का जो विकास में उनका योगदान रहा है उनके बारे में भी बताया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह को फिल्म को देखने के बाद किस तरह का पब्लिक रिव्यू है, आइए देखते हैं। कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या इससे पहले आपको पता था नवीन नारायण के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या क्या पता लगा? बहुत कुछ, और साइंटिस्ट के साथ क्या क्या हुआ, देश के लिए इतना कुछ किया है। कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी मूवी, बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है आर माधवन की। साथ में हमें जो है ऐसी मूवी का समर्थन करना चाहिए, उसके पक्ष में खुलकर आना चाहिए क्योंकि हौसला बढ़ाती है। हमारे देश में अनेक अनेक प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनका जो है बहुत एक ऐसा खिलवाड़ सा होकर रह जाता है जिसमें दम सी तोड़ देती है वो प्रतिभाएं। तो इस तरह से फिल्म का हर तरह समर्थन है और 4.5 में जो है स्टार की बहुत जबरदस्त एक्टिंग। बताइए जी कैसे लगी? शानदार मूवी और शानदार अभिनय माधवन का, और बहुत ही अच्छी फिल्म रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बनाई, और जो जो गुमनाम गुमनाम लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, आज नवीन नारायण को और समझने का मौका मिला। यूथ को भी अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी। कई तरह के मैसेज दिए गए हैं, किस तरह से गलत इंसान को सही और सही को गलत दिखाया गया, वास्तविक जीवन में ऐसा होता रहता है और फिल्म के जरिए एक बार फिर से दिखाया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल जैसा उसमें दिखाया गया है कि नवीन नारायण का दोस्त नहीं था, और उस समय की टेक्नोलॉजी तो विदेशी, मुझे तो लगा कि कोई ना कोई विदेशी स्कैंडल का उनकी छवि को खराब करने का और हमारी टेक्नोलॉजी को डिले करने का, लेकिन जो भी हो न्याय जो है। बहुत अच्छी मूवी, इमोशनल भी है और एक मोटिवेशनल भी है, दोनों चीज़ें इसमें एक साथ है। और बेसिकली हम तो ये कहना चाहेंगे कि इस मूवी से जो हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसको एक मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा, और ये बाकी मूवी से बहुत डिफरेंट और ऑसम। क्या फिल्म को देखने से पहले क्या आपको नवीन नारायण के जीवन के बारे में कुछ पता था? हाँ, ये तो पता था कि इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनका केस चल रहा था ऑलरेडी, और रिसेंटली उनका जजमेंट भी आया जिसमें वो तो बहुत अच्छा काम किया, और माधवन जी ने उनके ऊपर एक मूवी बनाई जिससे पब्लिक को क्लियर मैसेज मिला। कितना स्टार देना चाहोगे 5 में से? 5 में से 5। थैंक यू।